देश भर में जहां एक और नए साल की धूम रही, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रैन बसेरों में रह रहे लोगों के बीच पहुंचे। सीएम भजनलाल शर्मा ने रैन बसेरों में रह रहे लोगों से मिलकर उनकी कुशल क्षेम पूछी। साथ ही उन्होंने सड़कों पर रह रहे निराश्रित लोगों को कंबल भी वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रैन बसेरों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रबंधकों को और कार्मिकों को रैन बसेरों को स्वच्छ और साफ रखने के साथ साथ सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नववर्ष के अवसर पर रामनिवास बाग और जेके लॉन अस्पताल के पास स्थित रैन बसेरों में रह रहे लोगों से मिलकर उनकी कुशल क्षेम पूछी। साथ ही उन्होंने सड़कों पर रह रहे निराश्रित लोगों को कंबल वितरित किए। तो वहीं सीएम भजनलाल ने रैन बसेरों में रह रही महिलाओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने महिलाओं के रैन बसेरों में कपड़े की अस्थायी दीवार लगाने की जगह प्लाई की दीवार बनाने के लिए लकड़ी का दरवाजा लगवाने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी रैन बसेरों के पास मोबाइल शौचालय खड़े करने के आदेश दिए। इसके बाद वहां रह रहे लोगों को नित्य क्रियाओं के लिए भी दूर न जाना पड़े, तो इसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। तो वहीं मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों और राज्यों से आकर रैन बसेरों में रह रहे लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार की ओर से सभी प्रकार का सहयोग देने का भी आश्वासन दिया।